बात करने वाले हैं एक ऐसे स्किन एलर्जी के बारे में। आपने काफी बार डॉक्टर्स के पास जाकर ये सुना होगा, जब आपको खुजली की तकलीफ होती है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको खाने पीने की स्किन एलर्जी हो गई है। तो दोस्तों आज हम एक स्किन एलर्जी के बारे में बात करेंगे जिसे अर्टिकेरिया कहा जाता है। अर्टिकेरिया को हिंदी में पित्ती, गुजराती में सीरस और संस्कृत में आयुर्वेद में शीत पित्त नाम के रोग से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये अर्टिकेरिया नाम का एलर्जिक स्किन रिएक्शन जो है ये किन कारणों से होता है और आयुर्वेद में उसकी क्या चिकित्सा अवेलेबल है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। दोस्तों काफी बार हमें स्किन पे, हाथों पे या हमारे चेहरे पे या हमारे लिप्स पे या पूरी बॉडी में ट्रंक एरिया में अचानक से खुजली शुरू हो जाती है और बड़े बड़े जो है वो खुजली के दाने और गठाने निकल आते हैं। दोस्तों ये रोग अगर कुछ समय तक हो तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन जिन लोगों को लंबे समय तक ये रोग रहता है, मॉडर्न साइंस में इसकी कोई भी क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इसकी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। इसको अटका सकते हैं दवाइयों के माध्यम से। रेगुलर आपको दवाइयां लेते रहना है और जब भी आपको खुजली आए तो आपको उसकी दवाई लेनी है। काफी सारे लोग जो है वो इस रोग से लंबे समय से, महीनों से लेकर सालों तक पीड़ित रहते हैं, और हमारे पास काफी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको काफी सालों से अर्टिकेरिया यानी कि शीत पित्त का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों ये हमारी जो डे बाय डे की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं अर्टिकेरिया यानी पित्ती होने के क्या क्या कारण है। अर्टिकेरिया यानी पित्ती होने का कारण, हमारी वीक इम्यूनिटी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, अर्टिकेरिया की जो दवाइयां है एंटीहिस्टामिनिक और स्टीरॉइड्स, जिसको लंबे समय तक अर्टिकेरिया के लिए लेने की वजह से भी हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती जाती है, और जो अर्टिकेरिया की दवाई कभी कभी हम हफ्ते या 15 दिन पे एक बार लेते थे, वो दवाई धीरे धीरे पर डे और दिन में 2 बार तक भी आ जाती है, ऐसा हम देखते हैं, काफी पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है। दूसरा, अर्टिकेरिया होने का कारण आयुर्वेद के हिसाब से देखने जाए तो जो लोग सरसों यानी मस्टर्ड का सेवन ज्यादा करते हैं उन लोगों को अर्टिकेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो लोग ठंड के या ठंडे एटमॉस्फेयर के या ठंडी चीजों के ज्यादा संपर्क में आते हैं वैसे लोगों को भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है खान पान में कि जैसे गर्म गर्म चीजें खा रहे हैं उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पी रहे हैं, उन लोगों को भी ये तकलीफ हो सकती है। जो लोग दिन में सोते हैं, दोपहर को नींद निकालना या दिन के दौरान सोना, उन लोगों को ये तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को उल्टी हो रही है और उसको अच्छे से उल्टी नहीं हो पाई, वो अंदर रह गया, तो उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में मिक्स हो जाने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को मच्छर या तो कुछ जहरीले विषाणु या कुछ इंसेक्ट जो होते हैं उनका बाइट करने की वजह से भी अचानक से स्किन एलर्जी हो जाती है और अर्टिकेरिया हो सकता है। हिस्टामिन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। जो लोग केमिकल्स के एक्सपोजर में आते हैं, जो लोग ज्यादा केमिकल्स में काम करते हैं, या तो जो लोग कुछ दवाइयां लेते हैं जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ पेन किलर्स भी ऐसी होती है जिसकी वजह से भी अर्टिकेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ कॉस्मेटिक की एलर्जी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कुछ लेडीज की आदत होती है कि बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक अप्लाई करते हैं, तो कॉस्मेटिक की एलर्जी की वजह से भी ये रोग हो सकता है। बहुत लंबे समय तक मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिन लोगों का हाजमा खराब है, जिनके लीवर में टॉक्सिसिटी ज्यादा जमा हो रही है, वैसे लोगों को भी ये रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हमने देखे कि अर्टिकेरिया होने के क्या क्या कारण होते हैं। अर्टिकेरिया में जनरली क्या होता है, हमारी जो त्वचा है उसके ऊपर लाल कलर के चकते होने लगते हैं जिसमें रैशेज हो जाते हैं, और उसमें आपको सुई या तो कांटे चुभने जैसी पीड़ा होती है, प्रिकिंग पेन जिसको कहा जाता है। हम काफी ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं कि जिनको पूरी बॉडी पे, जब वो शर्ट निकालते हैं, कपड़े निकालते हैं, तो पूरी बॉडी में रेडिश चकते हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों से इस तरह से वो जो है वो खुजाने लगते हैं। दोस्तों अर्टिकेरिया जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से तीनों दोष यानी वायु, पित्त और कफ तीनों के इम्बेलेंस होने की वजह से होता है, जिसमें वायु और पित्त दोनों का, वायु पित्त और कफ तीनों का डोमिनेंस रहता है। अब अर्टिकेरिया होने के सिम्टम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को इचिंग होती है, इसमें खुजली आती है, सुई चुभने वाला पेन होता है, उसके अलावा जिनको बहुत ज्यादा अर्टिकेरिया होता है उनको फीवर भी आ सकता है, उनको नोजिया या वॉमिटिंग सेंसेशंस भी हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा खुजाने के बाद बर्निंग सेंसेशंस यानी कि जलन जैसी पीड़ा भी होने लगती है। अब देखते हैं अर्टिकेरिया अगर आपको है तो उसके घरेलू इलाज क्या है।
जी हाँ दोस्तों, अर्टिकेरिया के लिए मैं आपको एक जबरदस्त होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ। आपको कभी भी अर्टिकेरिया का अटैक आए तो आपको क्या करना है, आधा गिलास हल्का सा गरम गुनगुना दूध लेना है, उसमें एक बड़ी चम्मच हल्दी की मिक्स करके आपको तुरंत पी जाना है, और गेरू नाम की जो मिट्टी आती है उसको पानी में पेस्ट बना के जहां पे आपको खुजली आ रही है वहां पे आपको अप्लाई करना है, इससे आपको शीघ्र लाभ हो जाएगा। अब हम देखते हैं अर्टिकेरिया की आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों अर्टिकेरिया का आयुर्वेद में चमत्कारिक रिजल्ट्स अवेलेबल है। बहुत सारे पेशेंट्स अर्टिकेरिया के आयुर्वेद के द्वार पे आते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से उनका अर्टिकेरिया जो सालों पुराना होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप सबके सुना होगा सरसों का तेल। आपके घर में अगर आपको अर्टिकेरिया है तो सरसों का तेल रखना है। सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके अर्टिकेरिया वाले पार्ट पे आपको अप्लाई कर देना है, तुरंत ही आपकी जलन और आपकी जो खुजली है वो बंद हो जाएगी। और दोस्तों हरिद्रा खंड नाम का एक पाउडर आता है, हरिद्रा खंड चूर्ण, इसको आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे से ले लेना है। सुबह शाम एक एक चम्मच हरिद्रा खंड चूर्ण का सेवन करने से अर्टिकेरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर अर्टिकेरिया तीनों दोषों के डोमिनेंस की वजह से है और उसका प्रभाव शरीर में ज्यादा है तो आपको आयुर्वेद की वमन और विरेचन नाम की डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म प्रोसेस अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर करवानी है। आप हमारे पास भी आपके प्रॉब्लम को लेके आ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको यहाँ पे इस वीडियो में अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको देख के आपके घर पे दवाइयां अवेलेबल करवा सकते हैं, और पंचकर्म ट्रीटमेंट के लिए भी आप हमारे पास भी आ सकते हैं और आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अर्टिकेरिया अगर आपको है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको अर्टिकेरिया है तो आपको खट्टे फ्रूट बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं। खट्टी चीजें नींबू है, अचार है, इमली है, ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। आपको चाइनीज फूड अवॉइड करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, आपको बहुत ज्यादा तेल में तला हुआ और स्पाइसी फूड नहीं खाना है, आपको मीट, एग और फिश, यानी कि आपको मीट नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, एग्स और फिश नहीं खाना है, आपको अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, दूध को भी कुछ दिनों के लिए या एक आध महीने के लिए आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, और आपको ठंड के एक्सपोजर में मतलब एसी में या ठंडे पानी में नहाना नहीं है और बहुत ठंडे एटमॉस्फेयर में आपको एक्सपोज नहीं होना है। अब आपको मैं बताऊं कि आपको क्या खाना है। अगर हमको पित्त की तकलीफ या शीत पित्त की तकलीफ है तो पपाया खाना इस रोग में बहुत ही अच्छा कहा जाता है। चीकू का भी सेवन आप कर सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, गरम गुनगुना पानी पीने की आदत रखिए, और चने का भी सेवन करना इस रोग के लिए हितावह है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आप जरूर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।